कान के ऑपरेशन के बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपके कान में प्रॉब्लम थी, ईयर ड्रम में परफोरेशन था, कोई कान की बीमारी थी जिसकी वजह से टिम्पेनोप्लास्टी, मास्टरेक्टमी, स्टेपी सर्जरी, मायरिंगोटमी या कोई किसी किस्म की आपके कान की सर्जरी हुई है, और अब आप जानना चाहते हैं कि कान के ऑपरेशन के बाद मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको तुरंत चौकन्ना होना चाहिए हैं और डॉक्टर या डॉक्टर की टीम को फ़ोन करके इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, अगर कान से ज़्यादा खून आ रहा है जो रुक नहीं रहा है, अगर आपके फेस की मूवमेंट एक तरह से पैरालाइज्ड हो रही है और आपको लगता है फेशियल मसल्स काम नहीं कर रही, अगर आपको चक्कर आना शुरू हो, अगर आपको कान में आवाज़ आने लगे, अगर आपके कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा है और दवाई से नहीं ठीक हो रहा, और अगर आपको बुखार है जो बढ़ता जा रहा है, इन सब चीज़ों को आपको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर या उसकी टीम को तुरंत फ़ोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए। वो शायद आपको बुलाएं देखने के लिए या कुछ दवाई फ़ोन पे सजेस्ट करें, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कान का ऑपरेशन कभी कभी कान के कैनाल के अंदर से होता है, कभी कभी कान के पीछे से जिसको हम पोस्ट ऑरल कहते हैं, कभी कभी कान के आगे से जिसको हम एंड ऑरल कहते हैं। तरह तरह के इंसिशन सर्जन्स यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको एक मैस्टॉइड बैंडेज बांध के देते हैं। मैस्टॉइड बैंडेज ज़्यादातर हम 5 से 7 दिन तक रखते हैं और बहुत ज़रूरी है इस बैंडेज को ड्राई रखना। इस बैंडेज में कभी कभी थोड़ा सा सोकेज हो सकता है क्योंकि कान में से थोड़ा ब्लड आ सकता है। अगर माइल्ड 1 या 2 ड्रॉप ब्लड के हैं, थोड़ा सोकेज है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी, खाली उसको कॉटन से ऊपर से दबा देना है बस। आपको मेडिकेशन दी जाएगी, ज़्यादातर 1 या 2 दिन के लिए या कभी कभी लंबे दौर के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं दर्द के लिए, और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जिसकी वजह से आप सिम्टम फ्री रहते हो। दवाइयाँ जैसे डॉक्टर बताएं वैसे आपको लेनी है और फॉलोअप में जब वो बुलाएं आपको जाना है। यूजुअली ईयर सर्जरी के बाद 5 या 7 दिन के बाद हम बुलाते हैं, उस समय हम मैस्टोइड बैंडेज हटा के आपके घाव को देखते हैं और अगर सूचर ऐसे किए हैं जो काटने वाले हों तो वो सूचर कट करते हैं, या जनरली घाव को इंस्पेक्ट करके बैंडेज निकाल के एक छोटी ड्रेसिंग लगा देते हैं। आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कान के ऑपरेशन के बाद? सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकते। एयर ट्रैवल करने से कान के पर्दे के ऊपर दबाव पड़ता है क्योंकि एयरक्राफ्ट में प्रेशर चेंजेस होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम। आपको बैंडेज बिल्कुल सूखी रखनी है आपको, इसलिए अगर आप नहाएं और शावर लें तो गर्दन से नीचे आप गीला कर सकते हैं, गर्दन से ऊपर खासकर कान के एरिया में आपने बिल्कुल पानी नहीं जाने देना, इस एरिया को आपने सूखा रखना है। अगर इस दौरान आपको बीच में कोल्ड हो जाए तो कोल्ड की दवाई लेनी है क्योंकि कोल्ड होने से कान के ऑपरेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। कान के ऑपरेशन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नॉर्मली कान में थोड़ा भारीपन हो सकता है, थोड़ी नमनेस हो सकती है, कभी कभी क्योंकि हम जेल फोम की पैटीज़ यूज़ करते हैं तो कान में थोड़ा गीला गीला महसूस होता है, और कुछ दिनों के बाद क्योंकि कान का पर्दा अब हील होने लगा है तो कट कट करके आवाज़ भी आ सकती है। ये सब चीज़ें कान के ऑपरेशन के बाद नॉर्मल हैं। कान थोड़ा थोड़ा भारी भी लगेगा क्योंकि कान के अंदर कुछ ड्रेसिंग्स डाली होती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पेशेंट्स को अपनी डाइट के बारे में होते हैं। कान का ऑपरेशन साइज़ में छोटा होता है क्योंकि जस्ट 2 और 3 सेंटीमीटर का ये सर्जरी होती है, इसमें ब्लड लॉस भी ज़्यादातर कम ही होता है। हमारा ये एडवाइस रहता है कि जो नॉर्मल खाना आप घर पे खाते हैं, जो खाना आपको पसंद है, जो सिंपल होम फूड है वो आप खाएंगे, ना ज़्यादा ना कम। कोई आपको ज़्यादा कुछ खाने में परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा खाने में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल होम फूड जो बाकी लोग खा रहे हैं वो आप ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, खाना ज़्यादा ठंडा या कोल्ड या स्पाइसी नहीं होना चाहिए। सिंपल रेगुलर होम फूड आपके लिए काफ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपने दही खा सकते हैं आप, हमारे हिसाब से दही या लस्सी या छाछ खाने में आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर आप रेगुलरली लेते हैं, लेकिन इनको रूम टेम्परेचर पे लें। कुछ कुछ एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ज़्यादातर हम रेकमेंड करते हैं कि आप काम करें तो घर से करें, बाहर ना जाएं क्योंकि वैसे भी ऑकवर्ड लगता है, कान में एक पट्टी बंधी होती है। दूसरा, आप विग्रस फिजिकल एक्टिविटी ना करें। तीसरा, खासकर कान के सर्जरी के इमीडिएटली 2-3 दिन बाद नेक को ज़्यादा
शेक करना या विग्रस एक्टिविटी करना या एक्सरसाइज करना या नेक की योगा की एक्सरसाइजेस करना, ज़्यादा बेंड फॉरवर्ड करना, ये सब आप अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कान के अंदर की एक पर्दा है जो हील हो रहा है, कान में ऑपरेशन हुआ है जो हील हो रहा है, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इसका आपको डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करना है ताकि कुछ माइल्ड मेडिकेशन आपको दे दें। कॉन्स्टिपेशन या स्ट्रेनिंग एट स्टूल, या ज़्यादा अगर आपको खांसी हो तो उससे आपके सर्जरी के रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ईयर सर्जरी नॉर्मली सेफ सर्जरी है, पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। 5 डेज के बाद हम मैस्टॉइड बैंडेज निकाल लेते हैं, कभी कभी छोटी ड्रेसिंग लगाते हैं और कभी कभी कान को ऐसी खुला छोड़ देते हैं। एयर ट्रैवल में ज़रूर रिस्ट्रिक्शन है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है आपको एयर ट्रैवल में। सबसे ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन है कान को सूखा रखना, कान में पानी जाने से कान इन्फेक्ट हो सकता है और जो ऑपरेशन हुआ उसके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, इसलिए कान में पानी ना जाए ये आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको कान को सूखा रखना है। सो ऑल द बेस्ट आफ्टर योर ईयर सर्जरी एंड गेट वेल सून।